नमस्कार। अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्ययन द्वारा हम सभी मिश्रण और यौगिक पदों से भलीभांति परिचित हैं। हम ये भी जानते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। पर मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि यह दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम एक सरल सा प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार है। हमें चाहिए सल्फर चूर्ण, लोह चूर्ण, चीनी की प्याली, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर ग्वेज, कुछ परख नली, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेड एसीटेट विलयन, कार्बन डाइसल्फाइड विलायक, चिमटी, कांच की छड़, ड्रॉपर, स्पैचुला, फिल्टर पेपर इत्यादि। अब हम इस प्रयोग के लिए सबसे पहले सल्फर चूर्ण और लौह चूर्ण लेंगे। इन्हें हमने पहले से ही 7 ग्राम लौह चूर्ण और 4 ग्राम सल्फर पाउडर माप करके रखा है। एक मिश्रण बनाने के लिए हम 2 अवयवों का प्रयोग करेंगे, सल्फर चूर्ण 4 ग्राम और लौह चूर्ण 7 ग्राम, जिसे हमने पहले से ही माप करके रखा है। एक कांच की छड़ और सल्फर चूर्ण को हम एक बीकर में डालेंगे और निश्चित करेंगे कि अच्छे से इसमें डाल लें। फिर हम लौह चूर्ण को इसमें मिश्रित करेंगे। कांच की छड़ से इसे अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। यह 2 अवयवों वाला मिश्रण है। मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन है और इसमें अवयवों का अनुपात निश्चित होना जरूरी नहीं है। पर हम इसी मिश्रण से यौगिक बनाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही इसका अनुपात निश्चित किया है। मिश्रण में दोनों अवयवों के गुण बने रहते हैं। अब हम इस मिश्रण का लगभग आधा भाग इस चाइना डिश में डालेंगे। इसका प्रयोग हम यौगिक पद को बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। एक ट्राइपॉड स्टैंड और वायर ग्वेज लगाकर हम इसे गर्म करने रखेंगे। यौगिक बनाने के लिए सावधानी पूर्वक कांच की छड़ से और चिमटे के प्रयोग से इसे हिलाएं। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यह अभिक्रिया करते वक्त सावधानी बरतें और अपने शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करें। जब हम एक यौगिक को बनाएंगे तो इनके अवयव अपने गुणधाम छोड़ देंगे और ये सल्फर पाउडर हमें पिघलता हुआ नजर आएगा और लौह चूर्ण के साथ मिश्रित होगा। ऐसा करते वक्त सावधानी बरतें और एक नियमित दूरी बनाए रखें। इसे तब तक गर्म करिए जब तक यह एक काले पिंड में परिवर्तित ना हो जाए। यौगिक में दोनों अवयवों के अनुपात निश्चित होना अनिवार्य है, जो हमने मिश्रण बनाते वक्त ही 7 ग्राम और 4 ग्राम ले लिया था। अब आप जैसे देख रहे हैं, यह एक काले पिंड में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। यौगिक पद को बनाना एक रासायनिक अभिक्रिया है।
जब तक यह यौगिक पद ठंडा हो तैयार होता है, तब तक हम अपने प्रयोग के दूसरे भाग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने पहले से ही तीन परख नली पे ए अंकित किया है और तीन पर बी अंकित किया है। इसके लिए हम ए परख नली में कुछ मिश्रण स्पैचुला की मदद से डालेंगे। और बी परख नली में कुछ यौगिक जो कि हमारा अब तैयार हो चुका है उसे खुरच लेंगे। अब हमें चाहिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्रॉपर, और हम इसके 2-3 ml दो तीन मिलीलीटर इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। देखें क्या होता है। क्या आपको इसमें गैस के बुलबुले नजर आ रहे हैं? अब हम ये जानेंगे कि यह कौन सी गैस है। इसके लिए गैस को इकट्ठा करने के लिए हम इसके मुंह पर एक कॉक रखेंगे, पर सावधानी दें कि इसे फिक्स नहीं करेंगे। जब तक ये गैस इकट्ठी हो रही है, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये कौन सी गैस है? चलिए देखते हैं। जब ये गैस कुछ मात्रा में इकट्ठी हो जाए, बड़ी सावधानी पूर्वक हम इस परख नली के मुख के ऊपर एक जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे। आपने देखा कि यह गैस पट ध्वनि से ज्वलित होती है। क्या आप इस गैस को पहचानते हैं? यह हाइड्रोजन गैस है और यह इस गैस की विशेषता है कि यह पट ध्वनि के साथ जलती है। मिश्रण में लोह का अपना गुण बना रहा, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर लोह चूर्ण ने हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित किया। अब हम यही अभिक्रिया अपने यौगिक के साथ करेंगे। हमने बी टेस्ट ट्यूब में यौगिक डाल रखा है और इसमें भी हम 2-3 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई गैस निकलती है या नहीं। इसमें भी गैस की उत्पत्ति हो रही है। क्या आपको गैस के बुलबुले नजर आ रहे हैं? क्या यह भी हाइड्रोजन गैस है? यह जानने के लिए हम इसके मुख पर भी कॉक रखेंगे और गैस को इकट्ठा होने देंगे और फिर एक जलती हुई माचिस की तीली सावधानी पूर्वक उसके मुख पे लाएंगे। पर यह गैस पट ध्वनि से नहीं जलती, अर्थात यह हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो हमने देखा कि एक मिश्रण में लोह चूर्ण के अपगुण धर्म बने रहते हैं, पर एक यौगिक में लोह चूर्ण के अपने गुण धर्म नहीं रहते, पर
इसमें एक गैस उत्सर्जित होती है। इस यौगिक मिश्रण से कौन सी गैस उत्पन्न हुई है यह जानने के लिए हमें एक फिल्टर पेपर और लेड एसीटेट विलयन की, हम एक ड्रॉपर की मदद से इस फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट से भिगो लेंगे और उसे बी टेस्ट ट्यूब के मुख पर सावधानी से रख देंगे। ऐसा ही प्रयोग हम अपनी मिश्रण वाली टेस्ट ट्यूब के साथ भी करेंगे। और ये जानेंगे कि ये दोनों गैसें किस प्रकार भिन्न हैं। जब तक ये अभिक्रिया पूर्ण होती है तब तक हम अपने अगले भाग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम ए अंकित परख नली में मिश्रण लेंगे। और बी अंकित परख नली में अपना तैयार किया हुआ यौगिक लेंगे। अब हम कार्बन डाइसल्फाइड विलायक को 5 ml माप लेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड विलायक एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखें कि यह किसी बर्नर, गैस इत्यादि के समीप ना हो। अब हम यह 5 ml कार्बन डाइसल्फाइड मिश्रण ए में सावधानी पूर्वक डालेंगे। यह करने के लिए हमारा उद्देश्य यह जानना है कि क्या सल्फर चूर्ण भी मिश्रण में अपने गुण धर्म बनाए रखता है या वह समाप्त हो जाते हैं। जब हम इसे मिश्रण में मिलाते हैं तो इस मिश्रण से सल्फर का रंग कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में मिल जाता है और इसका रंग पीला हो जाता है, अर्थात सल्फर चूर्ण इसमें घुलनशील है और वह अपने गुण धर्म बनाए रखता है। सल्फर पाउडर का रंग कार्बन डाइसल्फाइड में हमें नजर आता है क्योंकि सल्फर पाउडर इसमें घुलनशील है। इससे हमें यह पता चलता है कि मिश्रण में सल्फर पाउडर अपने गुण धर्म बनाए रखता है। अब हम यही अभिक्रिया अपने यौगिक के साथ करेंगे। 5 ml कार्बन डाइसल्फाइड इस यौगिक में डालेंगे। हम ये देखते हैं कि यह यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड विलायक पे घुलनशील नहीं है, अर्थात सल्फर चूर्ण अपने गुण धर्म यौगिक में खो चुका है और एक नए गुण धर्म जो कि एक यौगिक के बनने से, आयरन सल्फाइड के बनने से हमें नजर आते हैं। अब हम अपनी पूर्व अभिक्रिया की ओर लौटते हैं जिसमें हमने दोनों मिश्रण और यौगिक के मुख पर लेड एसीटेट विलयन में भीगा हुआ फिल्टर पेपर रखा था। अब हम मिश्रण ए के ऊपर से फिल्टर पेपर को हटाएंगे और देखेंगे क्या इसमें कोई परिवर्तन है। इसमें कोई भी परिवर्तन हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम यौगिक के ऊपर रखे गए लेड एसीटेट विलयन में भीगे हुए फिल्टर पेपर को उठाएंगे और देखेंगे क्या इसमें कोई परिवर्तन है। जी हाँ, यह काला हो चुका है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के उत्सर्जित होने से लेड एसीटेट काला पड़ गया है, अर्थात यौगिक आयरन सल्फाइड अपने गुण धर्म दिखाता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। इस प्रयोग से हमने सीखा दो अवयवों से मिश्रण और यौगिक बनाना। हमने यह भी देखा कि मिश्रण में दोनों अवयवों के अनुपात का निश्चित होना अनिवार्य नहीं है
और इसमें दोनों अवयवों के गुण धर्म बने रहते हैं। एक मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक में दोनों अवयवों के गुण धर्म बदल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और एक नए यौगिक के गुण हमें दिखाई देते हैं। यौगिक बनाते वक्त दोनों अवयवों के अनुपात निश्चित होना अनिवार्य है। अब आप अपनी प्रयोगशाला में अपने शिक्षक की मदद से नए मिश्रण और यौगिक स्वयं बनाएं और उन्हें जांचें।